चाचा क्या मांग रहा हो इसका? 50,000 रुपए। और सभी लोगों से गुजारिश है कि भैया जिससे आप कटरा, देखो भाई ये कटरा उसी के हाथ में, ये कटरा है है? अबे मोए मोए हो गया ये तो, मुझे सिखा रहे कटिया। 85,000। लड़ाई हो गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रजी, आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर रजी ब्लॉग्स। दोस्तों आज के ब्लॉग में हम लोग जा रहे हैं हीरा मंडी। है हीरा मंडी तो यार नहीं, भैंसों की मंडी, भैंसों की मंडी तहारपुर में। सॉरी रात देख ली यार, चाल वगैरह वही होगी सब। रात देख ली तो आज हम जो है आज हम भैंसों का मुआयना करने जा रहे हैं, कैसा बाजार है और क्या क्या रेट चल रहे हैं यहाँ के, क्योंकि ईद के लिए पहले ही देख कर आते हैं हम लोग, पहले अपना हिसाब देख लेते हैं सही है, फिर यहाँ के रेट वेट देखते हैं कैसा तेज़ है यहाँ का रेट या हल्का है। तहारपुर मंडी बहुत बड़ा बाजार लगता है यहाँ पर, और जानवर भी बहुत बढ़िया आता है यहाँ पर, दूर दूर से जानवर लेकर आते हैं लोग। और आज के ब्लॉग में हमारे साथ हैं अब्दुल्ला रजा, इनको तो जानते होंगे। अरे भाई कैसे हैं, कैरियस हैं? और हमारे साथ हैं साथ भाई। हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग आगे चलकर देखते हैं, अभी हम रास्ते में ही हैं, चलिए। दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं तहारपुर मंडी में और धूप काफ़ी तेज़ है, दिमाग का पारा हाई हुआ हुआ है, दिमाग का सही। देखो ये शुरुआत हो गई है, लेके जा रहे हैं और इधर से मैं आपको दिखाता हूँ सही। देखो ये जानवर शुरू हो चुके हैं, 13,000 रुपये बहुत बड़ा बता रहे हैं वैसे। कटरे के साथ साथ यहाँ पे उनका सामान भी मिल जाएगा, चलिए अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं। ये देखो सौ तो हो गया शायद इनका, इस एरिया में एक से एक तगड़ा जानवर आता है, और हो सकता है शायद हम शुरू में हैं, अभी हमें इतने जानवर नहीं दिख रहे, धूप की वजह से हो सकता है कि लोग नहीं आए हों। अंदर चल के देखते हैं, इधर से ही देखते हैं। आज एक चीज़ और पता चली हमें, हमें ये पता चला कि हमारे ब्लॉगर को ये नहीं पता कि भैंस कौन सी होती है और कटरा कौन सा होता, तो आज इनको ये पहचान कराते हैं कि भैंस कौन सी होती है और कटरा कौन सा होता। कैसे कराओगे पहचान? तो वो दिखा के बताएंगे ना आपको किस तरह से, अगर देख के पता चल जाता कटरा है कटिया है। नहीं वो कहाँ से पता चलेगा, लुक वाइज अंदर है भाई। साथ भाई इन्हें बताओ कि हमें पता कैसे चलता है कि कटिया है या कटरा है? आज हमारे बताएंगे ब्लॉग किस तरह से बताएंगे, ये भी तो बताओ, देख कर ही बताएंगे। ये देखो चाचा क्या मांग रहा हो इसका? 50,000 रुपए। और सभी लोगों से गुजारिश है कि भैया जिससे आप कटरा, देखो भाई ये कटरा उसी के हाथ में, ये कटरा है है? अबे मोए मोए हो गया ये तो, मुझे सिखा रहे कटिया कटिया। 50 का है तो कुछ कम हो जाएगा, कम हो जाएगा रेट, कम दे दो। 100-200 रुपये, 100-200 रुपये का तो तेल, इससे ज़्यादा तो तेल फूंक दिया हमने। चलो आगे देखते हैं। देखो तो उधर जो है ना कपड़ों का बना हुआ है बाजार, अभी मंगल है ना आज। ये देखो, और ये ईद के टाइम पे ऐसे होगा यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होगी। महंगी है और क्या, यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे छोटे से लेके बड़ा तक का पूरा सारा जानवर मिल जाएगा यहाँ पे।
बकरों का भी पूछ लो, पूछ लो। खैरियत है? बढ़िया भाई, बढ़िया भाई, बढ़िया। मैं ये कह रहा हूँ जोड़ा है या अलग अलग है सब? ये भाई साहब ये जोड़ा है इनका, ये जोड़ा है। वो अलग का जोड़ा ले लो, अलग अलग ले लो, कैसे ले लो? क्या है इनकी जोड़ी का? इनकी जोड़ी का भाई साहब 25,000 रुपये। 25,000 रुपये? कुछ कम हो जाएगा? कुछ कम हो जाएगा? आप योजना बताओ कितना कम हो जाएगा? 500 कम दे दो। है 500 कम दे दो। 500 कम दे दे। बताओ भाई, बताओ इसके रेट। हाँ भाई, साथ भाई से 25 बता रहा है इन दोनों के। बता रहे 25,000। रुक जाओ। और इसका, और इसका क्या रेट है इसका? ये तो बकरी, ये बकरी कौन सा भी कह रहा है? 25 का कह रहा है, 500 कम दे दियो। यहाँ पे हीरा मंदी की सोनाक्षी सिन्हा नहीं दिख रही। हीरा मंदी की सोनाक्षी सिन्हा देखनी भाई साहब, ये भैंस की मंदी है, उसकी मंदी नहीं है। अच्छा। हीरा मंदी नहीं है। अबे यार तुम तो हीरा मंदी के नाम से लेकर आए हो। पार्टी यहाँ पे कटिए ज्यादा है। गर्मी की वजह से निलाना पड़ रहा भैंसों को। आ गया उधर भैंसे हैं, इधर सारे बकरे बकरे मिले। आवाज साफ जाती थी। हाँ क्या मांगे इसके जोड़ी के? कितने? 48,000। ये तो कुछ ज्यादा ही बता दी। क्या मांग रहे? कितना गोश होगा इसमें? गोश कितना होगा इसमें? गोश होगा इसमें 50 किलो होगा दोनों, 25-25 किलो। भागे देखो यार कितने भाई का, भागे देखो उठेगा तुमसे रुका हुआ बच्चा और अनाज खाए हुआ घर का। कितने बता रहे तुम? 48,000 रुपये इन दोनों। 48,000 क्या दोगे भाई जान आप? तो मैं बहुत बता रहा हूँ तुम यार। ये कितने वाला है बोला जी? तुम क्या बता रहे हो? क्या रेट है? 16 बता रहा है। हेलो, क्या मांग रहा हूँ? हमारे पास क्या मांग रहा हूँ? 40,000। देख रहे हो इतनी धूप में भी लोग ऐसे खड़े हैं। अब सोच लो तुम जब ईद कटा होगा भाई। इसके बकरे क्या मांगेंगे यार? ये देखिए ये वाला 85,000। सलाम वालेकुम हाजी जी, खैरियत से हैं? अबे लड़ाई हो गई भाई साहब। बकरों में भी पैर रखने की जगह नहीं है। बहुत बकरों को बहुत तेज बाजार लग गया आज, लग गया। क्या मांग रहा है इसके? दोनों के एक के? दोनों के 45,000 सुना आपने रेट कितना कम? अरे ध्यान रखो।
तुमने पैसा ऐसे बता दिए और हम ऐसे बता देंगे तुम दोगे नहीं। एक मिनट सुन तो लो पहले भाई साहब। चलो अभी आऊँगा, अभी आऊँगा, सुन तो लो। हाँ सुनाओ, आप समझा दो भाई। एग्जाम की दुकान खोली है, कितना कम कर दोगे? कर दूंगा मैं, आप इलाज ध्यान में रखा। मैं कम करूँ और सही लगाऊँ तो लेना मत लियो। हाँ ऐसे थोड़ी आप बता दी मैंने, कोई एक काम की दुकान थोड़ी, चल दिखा लो। हम मिला के एक आ रहे हो, रुक जाओ भैया, ये तो पीछे पड़ गए। ये भाई साहब तो पीछे पड़ गए, पीछे पड़ गए। बोले बोले बहन है तो हाथ 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 पे रखो, अभी बताऊंगा रेट, सही वाले रेट बताऊंगा तुम्हें, कम कर दूंगा। आओ पक्का कर लेते ना, मगर अभी तुम्हारे पीछे ही आ रहे हैं राजू भाई, इधर देखो ना, मरखाना है ये कटरा। इसको रोकने के लिए पाया बांध रखा गले में इसके, पैरों पर पड़ेगा तो ये रुक जाएगा। कह रहा खतरनाक होगी, खतरनाक कह रहा है, कटकनी होगी। ये मरखाना होगा, ये मरखाना भाई। कहाँ जा रहे हो तुम्हें? मछली कुर्बानी करोगे? मछली काटो। और भैया गरीब बेटों से चोरों से बढ़िया यार ये वाला। बोला आशीर्वाद दो। वैसे कटरा जो है ना वो छोटा ही बढ़िया होता, छोटे का गोश बढ़िया होता, बड़े का काला गोश होता, इसलिए छोटा करना सही है। बढ़िया पैर भी बढ़िया, अबे देख के पता चल गया कटरा है। ये कटरा है देख लो, तुम कह रहे थे मेरे को पता नहीं कटरा कौन सा, कटिया कौन सा, तो मैं दिखाऊँ घुस के। भाई साहब इतनी सी देर में जो है ना कार इतनी हीट कर रही है अंदर से कि एसी चला के बाहर गेट खोल के बैठना पड़ गया भाई। बाजार वगैरह से आ चुके हैं अंदर तो हम लोग मंडी से आ चुके हैं, सब कुछ घूम लिए हम, पूरी मंडी घूम ली हमने, लेकिन ऐसा जानवर नहीं है जैसा हमें चाहिए था, इसलिए हम बड़ा जानवर नहीं है, ज़्यादा छोटे ही जानवर है और ज़्यादातर भैंसे ही हैं यहाँ पर आज के बाजार में, दूध की वो भी। और दूसरा यहाँ पे भैंसों से ज़्यादा बकरे हैं आज, ऐसा लग रहा था जैसे बकरों का ही बाजार है मेन। और देखते हैं अब भाई साहब गर्मी इतनी है और इतनी देर में हम इधर की साइड से नहा लिए पसीने में, ये तुम उधर जाओ जब क्लिप आए पीछे गाड़ियां। अबे भैया इनका गला निकल लिया पूरा, कह दो इससे, कह दो कवर हो जाएगा थोड़ी बहुत बात, बस हो गया। हाँ भाई तो मेन मजार जो था वो बकरो था, हमें ये लगा था कि सुबह से जो है दोपहर 2 या 3 बजे तक भैंस का रहता है और दोपहर से शाम तक जो है वो बकरो का रहेगा, लेकिन यहाँ पर उल्टा लग रहा है आज। चलो फिर किसी दिन आएंगे देखते हैं। नहीं मैं बताऊँ एक बात, मेरी ना एक लड़के से बात हुई थी, ताहरपुर में रहता है वो भी एक कॉन्टेंट क्रिएटर है माशाल्लाह से, तो उससे मेरी बात हुई थी, वो बता रहा था मुझे कि जो बाजार है वो फजर से लगता है, मतलब फजर से शुरू हो जाता है और फजर के बाद वो बता रहा था 10-11 बजे तक रहता है, फिर उसके बाद बकरों का शुरू हो जाता है। तो तुम क्या चाहते हो, तुम के अहले फजर पढ़ के निकलना चाहते हो? हमें फजर पढ़ के निकलना चाहिए, पढ़कर हाँ पढ़कर फजर हमें तब निकलना था, पर मसला ये है कि हमारे साथ के कुछ सुस्त लोग ऐसे हैं और जो आज भी नहीं आए, जो आज भी नहीं आए, अब भी नहीं आए हैं, पर कोई नहीं हम आ गए। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं हम, सही है, बहुत ऐसा है 5-10 मिनट के लिए वहाँ रुके और बहुत थक गए आज ही, पसीने में लथपथ हो गए, आ गए लौट के हम देख कर आ गए, हमें कुछ ऐसा मज़ा नहीं आया, लेकिन जानवर देख लिया हमने, रेट का पता चल गया कि हाँ कैसे रेट हैं, तेज़ हैं हल्के हैं मीडियम है, ना ज़्यादा है ना कम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, व्लॉग को करते हैं यहीं एंड, ठीक है चलिए बाय।